बॉलीवुड की दुनिया में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर, भारत देश के भारत रत्न के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर हाल ही में अपनी तबीयत नासाद होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर हुई। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम तो आई है ये खबर कि लता मंगेशकर जो है बीमार हैं, और लता मंगेशकर की बीमारी को लेकर एक बार फिर से एक जो नई खबर है उसे सुनकर फैंस रो पड़ेंगे, क्योंकि सांस लेने में लता मंगेशकर को तकलीफ हुई, जिसके बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, सोमवार की सुबह की बात है ये, बीते सोमवार की सुबह सांस लेने की समस्या के कारण लता मंगेशकर बहुत परेशान रही, जिसके बाद उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में अब लता मंगेशकर को रखा गया है, और इससे चिंता बॉलीवुड नहीं बल्कि भारत देश भर में बनी हुई है, क्योंकि भारत देश की शान है जो कि लता मंगेशकर की आवाज, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो चलिए जानकारी दे दें, लता मंगेशकर को आईसीयू में रखा गया है, जिसके बाद तमाम बॉलीवुड सितारे उनकी सेहत में सुधार आए इसकी दुआएं भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डॉक्टरों ने लता को ऑब्जर्वेशन पर रखा है, वहीं उनकी स्थिति अभी भी स्थिर है, स्थिति में कोई सुधार की जानकारी अब तक नहीं मिली है। इलाज के बाद अब उन्हें घर वापस भेज दिया गया है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन रविवार को देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ये भी कुछ रिपोर्ट के माध्यम से खबर आ रही है। इस बारे में जानकारी देने वाली उनकी भतीजी है, जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की है कि ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज लगातार चल ही रहा है। तो वहीं हालत में उनकी सुधार को लेकर डिस्चार्ज तो कर गया है, लेकिन हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाई हैं लता मंगेशकर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।